गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज की बात करें तो कुछ भी खास इंपोर्टेंट न्यूज नहीं है। नेक्स्ट बात करें देश देशांतर के अंदर, तो देश देशांतर के अंदर जो बात की गई है वो बात की गई है ई कॉमर्स मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है वो बात की गई है द बिग पिक्चर के अंदर, ओटीटी के बारे में, ये इंपोर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट जो बात करें तो इनडेप्थ के अंदर जो बात की गई है वो बात की गई है इनडेप्थ के अंदर इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, जो नीति आयोग ने इसको रिलीज किया है। बस वही सारी बातें घुमा फिरा कर है, तो और कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। बस इतना आप ध्यान रखना इनोवेशन इंडेक्स जो है नीति आयोग रिलीज करता है। नेक्स्ट विशेष के अंदर एक इंपोर्टेंट आर्टिकल है विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, इंपोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज जो है हमारे पास वो यहां पर जो है विनायक दामोदर सावरकर के बारे में डिस्कस करेंगे। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, एक सेकंड, हाँ वाइट ब्लैंक पेज ले लूं, एक सेकंड, किधर गया, यहाँ क्यों नहीं रहा, ये यहीं पर कर लेते हैं। ये जो विनायक सावरकर दामोदर के बारे में डिस्कस किया गया है, यहां पर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में जो कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि 1883 में इनका जन्म हुआ था। 9 साल की उम्र में इनकी माता का निधन हो जाता है और 7 साल बाद पिता का। लेकिन एक बहुत बड़े एक समाज सुधारक कहो या कवितज्ञ कहो या लेखक कहो, हर रूप में इनको हम याद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी 2-3 बातें मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप नोट भी कर सकते हो। 1904 ईस्वी जो है लॉर्ड कर्जन का समय होता है, आपको पता है 5 से 10 के आसपास, 11 के आसपास, यहाँ पे अभिनव भारत की स्थापना गठन करते हैं ये विनायक दामोदर सावरकर। बंगाल विभाजन होता है 1905 में, इसका विरोध बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं, कई पत्र लिखते हैं, कई लेख लिखते हैं। रूसी क्रांति का बहुत ज्यादा इनके जीवन पर असर पड़ता है। और 1907 में स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई जाती है और इनका प्रभाव इन पर बहुत ज्यादा होता है। इससे जुड़े हुए एक और बात हम डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट बात करें इनके बारे में, तो इनके बारे में जो बात की जाती है वो बात की जाती है कि इन्होंने भौगोलिकता के बारे में बात की। देखो ये जो एक परिचय है विनायक दामोदर सावरकर का, बहुत बड़ा परिचय है। भौगोलिक एकता, पूरे के पूरे भारत के लोगों की एकता की बात करते हैं। जातीय व्यवस्था को पूरी तरह से नकारते हैं कि यहाँ पर सर्वधर्म संभाव की बात है और साझी संस्कृति, यहाँ का सारा का सारा हमारे भारत का एक संस्कृति है। और यहाँ पर बात की जाती है 1923 में इन्होंने एक हिंदुत्व नाम से एक ग्रंथ लिखा, हिंदुत्व, जो आगे चलकर बहुत ज्यादा बढ़ा। और नेक्स्ट बात की जाए इसके अंदर, तो यहाँ पे हिंदू महासभा, देखो ये जो इफेक्ट बताऊंगा, एक सेकंड, हिंदू महासभा के साथ जो है इनका, देखो हिंदू महासभा और एक सेकंड हिंदू महासभा और प्लस मुस्लिम लीग के साथ ये सरकार भी बनाते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब है समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ये अपने आप को बदलते भी हैं। नेक्स्ट इनका एक लाइन है, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गाय को मानना सामान्य बात है। गाय से लोगों को दूध और कई चीजें मिलती हैं जो हमारी जरूरत की होती हैं। कई परिवार के लिए गाय परिवार का हिस्सा हो जाती है, तो ये हमारे लिए उपयोगी होती है। ये हमारी कृतज्ञता होती है कि गाय को ईश्वरीय बना दिया जाए। ये बातें इसके अंदर ये कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, पहले भी हमने आर्टिकल डिस्कस कर रखा है 6 महीने पहले, लेकिन फिर से रिविजन आप समझ लो। वीर सावरकर के बारे में कहा जाता है द इंडियन वार द इंडियन वार इंडिपेंडेंस द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये जो किताब है 1857, इन्होंने बहुत सारे अध्ययन करके सब कुछ करके 1909 में जो है ये किताब लिखते हैं। और ये किताब इतनी प्रचलित होती है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लोगों के लिए बहुत आगे, मतलब लंदन में लिखते हैं और लंदन के बाद जो है ये पूरे के पूरे भारत में पहुंचता है। हर स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग होते हैं इनको पढ़ते हैं और इनको एक ग्रंथ के समान, गीता के समान समझते हैं। इन 1857 को इनका नाम रखा गया था, 1857 का स्वतंत्र समर, ये ध्यान रखना, स्वतंत्र समर नाम से ये लिखा गया था। और ये किताब, आश्चर्य वाली बात होगी, आपको आश्चर्य लगेगा कि ये जो किताब इन्होंने लिखा है, ये किताब जो लिखा है 25 साल की उम्र में लिखा है। लंदन की पुस्तकालयों में बहुत ज्यादा अध्ययन किया, छपने से पहले ही प्रतिबंध लग गया, लेकिन लोगों ने इसको तमाम जरूरी दस्तावेज जुटा करके आगे तक ले गए और 1857 को पहला स्वाधीनता संग्राम कहा, फर्स्ट
और 1857 में सभी समुदाय की भागीदारी की बात कही। 1857 पर पहला ठोस और प्रमाणिक ग्रंथ, यही कहा जाता है अंग्रेजों के प्रचार को नकारा गया, पुस्तक। यह जो 1857 का जो ये पुस्तक समर स्थानांतर समर की बात कही मैंने, ये मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया था, महाराष्ट्र के थे ये, और इसके हस्तलिखित 3 प्रतियां तैयार की, पहली बाबाराव सावरकर को भेजी, दूसरी फ्रांस की भिकाजी, फ्रांस के भिकाजी कामा, और इन्हीं सबसे जो गदर पार्टी वगैरह है प्रेरित होकर के बनता है, और लाला हरदयाल के प्रयास से इनका अनुवाद इंग्लिश में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारी बातें, और उसके बाद गोपनीय तरीके से बहुत सारे अनगिनत संस्करण छपते हैं, ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती हैं। नेक्स्ट बात करें तो देश देशांतर के अंदर ई मार्केट के बारे में कहा गया है। ई मार्केट के बारे में क्या है कि अभी फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, ई मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो हम लोग ऑनलाइन सामान शॉपिंग करते हैं, ये डिस्काउंट बहुत बड़ी मात्रा में देता है, गोदाम में सामान भर के रख लेता है, हैवी डिस्काउंट तो खुदरा मार्केट वाले रिटेलर वाले जो है इनको परेशानी होती है। तो इन्हीं के बारे में कहा गया है इनको कैसे रेगुलेट किया जाए। यहाँ पर छूट देने की बात तो कही गई थी 2017 तक, गवर्नमेंट ने कहा था कि आप जितना मर्जी छूट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद इस पे बैन लगाया गया, और एक्चुअल में फैक्ट्रीज से बेचने तक जहां तक जाता है माल, इन सब का रेगुलेशन जरूरी है, एंटी कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बहुत ज्यादा जरूरी की चीज है। बाजार का नक्शा बदल दिया है एक्चुअल में ये ई कॉमर्स कंपनी ने, बायर और सेलर का डिफरेंस जो है वो भी दिक्कत। देखो जैसे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट एक कंपनी जो यूएसए की है, यहां पर इस शॉप में जाओगे तो आपको 1000-1200 सामान मिलेगा, लेकिन ये जो ऑनलाइन सामान बेचती है इसमें आपको लाखों सामान मिलेंगे, तो ये अंतर है। देखो रूल ऑफ लॉ जो होता है किसी कंट्री का, रूल ऑफ लॉ, मान लो गवर्नमेंट रेगुलेट भी करती है इसको तो एक लिमिट तक ही रेगुलेट करेगी, ये बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आएगा। कंज्यूमर, रिटेलर और ऑनलाइन वाले को सबको मैनेज करके चलना चाहिए, मतलब कंपटीशन ऐसा हो कि एडवर्सली अफेक्ट ना करे सबको, कंज्यूमर को फायदा हो, ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती हैं। तो आज के न्यूज़ में इतना ही था, थैंक यू।